नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इसका असर हर जगह दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तो कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। कई और तरह की पाबंदियां भी लगा रखी हैं और कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। वहीं कल बैसाखी का भी त्यौहार है, लेकिन ये त्यौहार फीके नजर आ रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से मंदिरों में मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी की है जो अलग अलग तरह है। आइए जानते हैं कोरोना का असर त्योहारों पर। मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं के लिए जारी की गाइडलाइंस। कम श्रद्धालुओं को मंदिर में मिलेगा प्रवेश। चैत्र नवरात्रि से ठीक पहले कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइंस जारी की है। मंदिर समिति की ओर से इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि प्रवेश के दौरान क्या करें और क्या ना करें। दिल्ली के छतरपुर मंदिर समिति ने मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी है। मंदिर कमेटी की ओर से फोन को लेकर कहा गया है कि फोन रखने के कारण परिसर में श्रद्धालु फोटो और सेल्फी लेने लगते हैं और वो इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ देते हैं और मास्क भी उतार देते हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में भी कई नई तरह की पाबंदियां देखने को मिल सकती हैं। मंगलवार से शुरू हो रहे नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ जमा ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयारी में जुटी हुई है। प्रशासन की कोशिश है कि कम से कम लोग नवरात्रि के दौरान मंदिर में माता के दर्शन के लिए आए, साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करें। कई मंदिर कमेटी ने बताया कि नए निर्देश के बाद बहुत ही कम संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। जो श्रद्धालु मंदिर में जाएंगे उन्हें सैनिटाइजर टनल से होकर गुजरना होगा। श्रद्धालुओं को फोन नहीं ले जाने दिया जाएगा। मंदिर की ओर से कहा गया है कि श्रद्धालु फोन लेकर ना आए क्योंकि मंदिर प्रशासन ने फोन रखने की व्यवस्था नहीं की है। साथ ही श्रद्धालुओं को किसी तरह की पूजा सामग्री ले जाने की भी इजाजत नहीं दी गई है। वहीं अगर दूसरे मंदिरों की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे कि झंडे वालन मंदिर, यहाँ पर कोरोना को देखते हुए नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। मंदिर मैनेजमेंट के मुताबिक नवरात्र पर बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मंदिर में नहीं आने की अनुमति है। मैनेजमेंट के मुताबिक 65 साल से अधिक के बुजुर्ग, 10 साल से छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। मंदिर में फूल माला, प्रसाद, चुन्नी लाने पर भी रोक लगा दी गई है। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में जहां तमाम पाबंदियां लग रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ त्योहारों पर भी कोरोना ग्रहण बनता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले होली का त्यौहार बीता है, होली भी फीकी रही है। अब कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। जी हां, ये चैत्र के नवरात्रि हैं और कल बैसाखी का भी त्यौहार है। ऐसे में गाइडलाइंस का पालन प्रशासन कैसे करवा पाता है, देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।